हिंदी के नव वर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू होता है, जो इस साल 6 अप्रैल 2019 को है। ये पहला नवरात्र होता है। इस दिन से माता की विशेष पूजा शुरू होती है। देश में जगह जगह माता के पंडाल सज जाते हैं और घर गलियों में सब जगह माता की चौकी और पूजा नजर आती है। एक वर्ष में 4 नवरात्र चैत्र आषाढ़ अश्विन और माघ महीने की शुक्ल प्रतिपदा से नौवें तक 9 नवरात्र के दिन होते हैं। इनमें चैत्र और अश्विन नवरात्रि ही मुख्य माने जाते हैं। नवरात्र वह समय है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियाँ ऊर्जा के रूप में हम तक पहुँचती हैं। मुख्य रूप से हम दो नवरात्रों के विषय में जानते हैं, चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र। चैत्र नवरात्रि गर्मियों के मौसम की शुरुआत करता है और प्रकृति माँ एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। ये लोकप्रिय धारणा है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान एक उपवास का पालन करने से शरीर आगामी गर्मियों के मौसम के लिए तैयार होता है। चैत्र नवरात्रि 2019। ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा से प्रारंभ होती है और रामनवमी को इसका समापन होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र 6 अप्रैल से प्रारंभ है और समापन 14 अप्रैल को है। नवरात्रि में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए लोग विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में देवी के रूपों की साधना की जाती है। हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है, जिसमें देवी शक्ति की पूजा की जाती है। रामायण के अनुसार भी भगवान राम ने चैत्र के महीने में देवी दुर्गा की उपासना कर रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी। इसी कारणवश चैत्र नवरात्रि पूरे भारत में, खासकर उत्तरी राज्यों में धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ये हिंदू त्योहार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय है। महाराष्ट्र राज्य में ये गुड़ी पड़वा के साथ शुरू होती है, जबकि आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में ये उत्सव उगादी से शुरू होती है छह अप्रैल यानी कि पहला दिन प्रतिपदा। इस दिन यानी घटपन, चंद्र दर्शन और शैलपुत्री पूजा की जाती है। 7 अप्रैल दूसरा दिन सिंघाड़ा गौज और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 8 अप्रैल तीसरा दिन, यह दिन गौरी तेज या सौजन्य तीज के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य अनुष्ठान चंद्र घंटा की पूजा है। 9 अप्रैल यानी कि चौथा दिन वट विनायक चौथ के रूप में भी माना जाता है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान कूष्मांडा की पूजा है। 10 अप्रैल पांचवा दिन, इस दिन को लक्ष्मी पंचमी कहा जाता है और इस दिन का मुख्य अनुष्ठान नाग पूजा और स्कंद माता की पूजा होती है। 11 अप्रैल छठा दिन, इसे यमुना छठिया स्कंद षष्ठी के रूप में माना जाता है और इस दिन का मुख्य अनुष्ठान कात्यायनी की पूजा है। 12 अप्रैल सातवा दिन, सप्तमी को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और देवी का आशीर्वाद मांगने के लिए काल रात्रि की पूजा की जाती है। 13 अप्रैल आठवा दिन, अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, इसे अन्नपूर्णा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा और संधि पूजा की जाती है। 14 अप्रैल यानी कि नौवा दिन, नौवीं नवरात्रि उत्सव का अंतिम दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा महाशय की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अनुष्ठान, बहुत से भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। भक्त अपना दिन देवी की पूजा और नवरात्रि मंत्रों का जप करते हुए बिताते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले 3 दिनों को ऊर्जा माँ दुर्गा को समर्पित है, अगले 3 दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है, आखिर के 3 दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से प्रत्येक के पूजा अनुष्ठान नीचे दिए गए हैं। पूजा विधि। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन सबसे आवश्यक है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है और इसे पवित्र स्थान पर रखा जाता है घर की शुद्धि और खुशहाली के लिए। 1 अखंड ज्योति। नवरात्रि पूजा घर और परिवार में शांति का प्रतीक है, इसीलिए यह जरूरी है कि आप नवरात्रि पूजा शुरू करने से पहले देसी घी का दीपक जलाते हैं। ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है और भक्तों में मानसिक संतोष बढ़ाता है। 2, जौ की बुआई। नवरात्रि में घर में जौ की बुआई करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए इसे हवन में भी चढ़ाया जाता है। बसंत ऋतु में आने वाली पहली फसल भी जौ ही है, जिसे देवी माँ को चैत्र नवरात्रि के दौरान अर्पण करते हैं। 3, नव दिवस भोग।
यानी कि 9 दिन के लिए प्रसाद। प्रत्येक दिन एक देवी का प्रतिनिधित्व किया जाता है और प्रत्येक देवी को कुछ भेंट करने के लिए भोग चढ़ाया जाता है। सभी 9 दिन देवी के लिए 19 प्रकार के भोग निम्न अनुसार है। पहले दिन केले का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन देसी घी के यानी कि गाय के दूध से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। तीसरे दिन नमकीन मक्खन का भोग लगाया जाता है। चौथे दिन मिश्री, पांचवे दिन खीर या दूध, छठे दिन मालपुआ, सातवे दिन शहद, आठवें दिन गुड़ या नारियल और नौवे दिन धान का हलवा। नंबर 4, दुर्गा सप्तमी। दुर्गा सप्तमी शांति, समृद्धि, धन और शांति का प्रतीक है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दुर्गा सप्तमी के पाठ को करना सबसे अधिक शुभ कार्य माना जाता है। नंबर 4, 9 दिनों के लिए नवरात्र। शुभकामना के लिए, प्रसन्नता के लिए नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लोग 9 अलग अलग रंग पहनते हैं। पहले दिन हरा, दूसरे दिन नीला, तीसरे दिन लाल, चौथे दिन नारंगी, पांचवें दिन पीला, छठे दिन नीला, सातवें दिन बैंगनी रंग, आठवें दिन गुलाबी, नौवें दिन सुनहरा रंग, छठे दिन कन्या पूजन। कन्या पूजन माँ दुर्गा के प्रतिनिधियों यानी कि कन्या की प्रशंसा करके उन्हें विदा करने की विधि है। उन्हें फूल, इलायची, फल, सुपारी, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, घर का भोजन, खासकर जैसे कि हलवा, काले चने और पूरी।